सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन ब्लैक वर्जन 2। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वाइल्ड सिटी पहुँच चुके थे, जो हमारी एक नई सिटी है, और आज के एपिसोड में हम पूरी सिटी को देखने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हम यहाँ तक सिर्फ पहुँचे थे, और आज के एपिसोड में हम यहाँ पर करने वाले। सो गाइस, इससे पिछले वाली अनबाउंड की वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले थे। सो गाइस, जल्दी से जाके वो अनबाउंड की वीडियो देख लो, पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद देखो, काफ़ी अमेजिंग बनी थी। हमने पजल्स काफ़ी आसान से सॉल्व कर लिए थे, और हमने सेकेंड जिम लीडर को अपने अनबाउंड में हरा दिया था। तो जाओ जल्दी से, फटाफट से देख लो। सो यहाँ पर पोकेस्टार स्टूडियोज़ के बारे में बातें हो रही हैं। तो क्या मुझे अभी सीधा जिम में जाना चाहिए? पहले मुझे जिम ढूंढने तो दो। ओके, तो यहाँ पर मैं लिफ्ट है, मैंने लिफ्ट को देखा नहीं। देखते हैं लिफ्ट हमें कहाँ लेके जाती है। सो 23rd या 25th फ्लोर पे हमें जाना है, क्या पूछ रहा है? तो चलो 23rd पे जाके देखते हैं। स्क्रैगी एक है। ओके, सो चलो, यहाँ पर तो कुछ नहीं था, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे तो। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ था, नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्लोर होगा 25th। ओके, लेट्स सी। सो चलो 25th फ्लोर पे। ओह, बहुत बढ़िया रूम दिख रहा है, देखते हैं। ओके, ट्रेनर, इफ माय पोकेमोन वाज विद मी आई हैव कॉल्ड चैलेंज योर पॉटर इंस्टेड, प्लीज एक्सेप्ट दिस। सो गाइस, हमें बिग रूट मिल चुका है, इसका यूज़ क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन सो गाइस, पोके क्विज के विनर वीडियो के बीच में कभी भी आ सकते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पोके क्विज के विनर, अगर आपको अपना नाम सुनना है, अगर आपने सही जवाब दिया है, तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, आपका नाम वीडियो के बीच में कभी भी लिया जा सकता है। सो चलो यहाँ पर अब चलते हैं। पोकेमोन सेंटर तो ये रहा। सो कहाँ पे जाना है एग्जैक्टली, ये क्या है? ओके, लेट्स सी, ड्रिफ्ट वेल मार्केट। सो आई मीन, आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे जाना है। आई एम हार्ट ब्रेकर। ओके, सो पोकेमोन वो ट्रिपल बैटल, नो यार, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते ट्रिपल बैटल, सो आई डोंट वॉन्ट टू डू नाउ। सो यहाँ पर तो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ से ही मैं आया हूँ। ओके, वेलकम टू द ड्रिफ्ट वेल लग्जरी सूट, आई एम सॉरी फॉर वी आर फुल, प्लीज इन्जॉय योर लॉबी। ओके, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हमें जाना है, सॉरी गाइस, अगर आपको बीच में थोड़ी आवाज़ आई होगी तो। सो गाइस सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो पॉज करना पड़ा, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। तो भाई, मेरे ख्याल से मैंने पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर लिया, बिकॉज मैंने देखा तो थोड़ी कोई सिटी यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखते, तो यहाँ पर हमें जिम दिखती है। जिम लीडर प्लेस करंटली इन द मिडल ऑफ समथिंग, प्लीज़ कम बैक अगेन लेटर। तो गाइस, हमें जिम का दरवाज़ा बंद है, सो हमें कुछ तो करना होगा यहाँ पर। क्ले को यहाँ पर, हमें जो जिम लीडर है क्ले, उसको यहाँ पर अपने जिम में वापस लेके आना पड़ेगा। तो देखते कैसे ला सकते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पर अब चलते हैं। ओ भाई, ये कौन है? टीम प्लाज्मा, एक्स टीम प्लाज्मा सर, दैट्स थर्ड पर्सन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो भाई, हमारे बारे में बात कर रहे थे। ओवर हियर दिस वे। Oh, you are interested in Team Plasma, are you? Team Plasma, if you hear, we have to say you might be able to understand us. My guest, if you are going to come inside, I would like to see what kind of person you are, trainer. That's right, in a Pokemon battle, do you find it acceptable? Guys, हमारी battle होने वाली है, तो मज़ा आने वाला है, तो चलो भाई जल्दी से battle करते हैं। Okay, तो भाई हमारी battle होने वाली है Pokemon trainer Root से। तो देखते हैं भाई, पहला पोकेमोन इसका हर्डियर है, तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो अपना सही पोकेमोन फर्स्ट पे रायलू, सो दैट्स गुड। इंटरमीडिएट, हमारा अटैक कम कर दिया इसने, फोर्स पाम इस्तेमाल करते हैं इस पर। और देखते हैं, मेरे ख्याल से हर्डियर का खेल ख़त्म नहीं, नहीं यार भाई, स्ट्रॉन्ग है हर्डियर इसका। ओके, सो स्पेशल अटैक और अटैक बढ़ा लिया इसने अपना। सो एक और फोर्स पाम और इसका खेल जो है ख़त्म। भाई इनको, ये ट्रेनर्स के जो है नाम बड़े बड़े होते हैं, ये इनको दिमाग दो कौड़ी की नहीं है भाई, बिकॉज भाई मैंने उसकी आधी HP कम कर दी और मुझ पर अभी भी अपना अटैक बढ़ा रहा है पागलों जैसा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो यहाँ पर अब चुनते हैं अनफेजेंट को। ओके, सो हियर वी गो, अनफेजेंट, और इसका पोकेमोन है वो सू बैट। सो एयर स्लैश यूज़ करते हैं इस पर, और इसने हम पे एयर कटर यूज़ किया। तो पिछले एपिसोड में गाइज, हमारा जो ट्रैंक्विल वो भी इवॉल्व हो चुका था, और भाई क्रिटिकल हिट। सो भाई, इसका जो सू बैट है वो ख़त्म हो चुका है, बहुत बढ़िया, और हमने इसको हरा दिया है। 2700 इसने दिया हमें। आई अपोलोजाइज फॉर टेस्टिंग यू, बींग फॉरवर मेम्बर्स ऑफ टीम प्लाज्मा, वी मस्ट डील विद अ लॉट। वही यश, हमारा राइवल आ चुका है यहाँ पर, देखते हैं अब ये क्या करता है। ही गॉट अवे एंड दैट इज़ योर फ्रेंड, मे ही मे जॉइन अस। सो हमें शायद से अंदर जाना है यहाँ पे।
ओके सो अभी देखते हैं क्या बातें होंगी यहाँ पर, कहीं बहुत लंबा चौड़ा भाषण ना दे दे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन, आई माई नेम इज़ रूड, यू गाइज आर ऑल टीम प्लाज्मा टू राइट, टेल मी वॉट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द टीम प्लाज्मा बैक देयर। मोर एक्यूरेटली वी आर फॉर्मर मेंबर्स ऑफ टीम प्लाज्मा, बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट 2 years अगो वी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द पोकेमॉन गेट सेपरेट फ्रॉम द ट्रेनर्स एज वे टू अ ट्रोन फ्रॉम मिस स्टेट्स एंड यू आर। आई एम यश फ्रॉम अस्पर्टिया सिटी 5 years अगो। सो आज यहाँ पर यश अपनी कहानी सुनाएगा, तब तक हम बोर ना हो तो अच्छा है। इट्स दैट सो, माई सिंसियस्ट अपोलॉजीज, जस्ट एन अपोलॉजी, दैट्स इट। वेयर इज माई सिस्टर्स पोकेमॉन पर्लॉइन, वेयर इज पर्लॉइन। सो भाई ये यश गधा है क्या, उसके सिस्टर का पर्लॉइन, तो उससे जाके नया पर्लॉइन दे दो भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। द पोकेमॉन यू स्पीक इट्स नॉट इन दिस प्लेस, आई इमेजिन इट्स स्टिल बीइंग यूज्ड बाय टीम प्लाज्मा नाउ। जस्ट एज यू से योर अपोलोजेशन डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, बट यू कॉन्ट मूव फॉरवर्ड अनलेस यू एडमिट यूर रॉन्ग एंड अपोलोजाइज। इनफ ऑलरेडी, अपोलोजाइजिंग इज इट गोइंग टू गेट माई सिस्टर्स पोकेमॉन बैक, गर वाई गोइंग टू द पोकेमॉन जिम एंड गेट स्ट्रॉन्गर एंड क्रश एवरी सिंगल मेंबर ऑफ टीम प्लाज्मा। सो आई बेसिकली हमें भी शायद से जिम में जाना है। टीम प्लाज्मा मेड ट्रेनर्स लाइक हिम सफर, आई फील टेरेबल अबाउट इट, हाउ फुलिश वी वर। गौरव एज यू कैन सी आई कॉन्ट डू एनीथिंग टू थैंक यू, एक्चुअली आई हैव अ फेवर टू आस्क यू, कुड यू प्लीज लुक आफ्टर द पोकेमॉन जोरुआ। यस यार, तो भाई हमें जोरुआ मिल चुका है, दैट्स गुड। सो देखते भाई जोरुआ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। भाई निकनेम के बारे में नहीं पूछा इन्होंने, बिकॉज निकनेम मुझे देना था इसे जोरुआ, जो 25 लेवल का है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम, बिकॉज मैं जोरा को अपनी टीम में लेने वाला हूँ। और आज थोड़ा शायद गेम लैग तो नहीं हुआ ना, चलो कोई बात नहीं, चलो जिम में चलते हैं गाइस। यहाँ पर हमारी जिम बैटल होने वाली है, यश यहाँ पर आ चुका है। चैलेंजिंग द जिम, नाइस, कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लेट मी टेल यू टफ, क्ले इज टफ, इवन इफ ऑल यू हैव टू यूज अगेंस्ट ग्राउंड टाइप इज वाटर टाइप पोकेमॉन, यू मे स्टाइल बी अव रफ राइट। सो इसने हमें बहुत अच्छी टिप दी है कि हमें जो है वाटर टाइप पोकेमॉन यूज़ करने चाहिए क्ले के खिलाफ। सो यहाँ पर कोई है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर वो बंदा होता है जो हमें फ्रेश वाटर देता है, तो हमने एलिवेटर का स्विच प्रेस कर दिया। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और अब देखते हैं क्या कोई पजल मिलेगी हमें जिम के लिए, देखते हैं। सो गाइस अब चलते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है वो फ्रेश वाटर वाला बंदा यही है। सो गाइस यहाँ पर हमें फ्रेश वाटर तो मिल चुके हैं। सो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन यूज़ करता है के लिए तो हमें वाटर, आइस और ग्रास टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ने वाली है, और मेरे पास और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। ओ भाई ये क्या है भाई, मैं तो पहले बार डर गया था भाई, क्या अंधेरा है भाई यहाँ पर। ओके तो देखते हैं कैसी पजल है, देखते हैं यहाँ पे। ओके तो बैटल हो गई है, तो फटाफट से बैटल करते हैं इस बंदे से। नाइस, चलो यहाँ पर देखते हैं कितने पोकेमॉन लेके आए, एक है डेल्टॉय। ओके ओके इट्स गोना बी टफ। ओके सो आई डोंट वांट रॉयली टू बी स्विच, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। सो मैं अनप्रेजेंट को चुनने वाला हूँ, भाई अनप्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस। ओ भाई नो एंशिएंट पावर, नहीं यार बहुत ज़्यादा डेंजरस मूव है वो हमारे लिए। एयर कटर, एयर कटर, चलो भाई चलो चलो चलो। कॉस्मिक पावर, ओ भाई क्या ग्राफिक्स, लेकिन कॉस्मिक पावर के लिए बहुत डेंजर। क्विक अटैक से ख़त्म करते गाइस, चलो फटाफट से। ओके ओके चलो, तो अभी अब मैं बाकी के बैटल स्किप करूँगा। यू कैन जस्ट टेल मी मिनरल्स विल बेयर, गॉट इट, अनदर वे टू स्टे द क्लेज विद वेन एवर द बुलर्स आर ऑफ ओर्स। सो अब देखते हैं यहाँ पर मैं नीचे जाना है क्या, नो शायद से ऊपर जाते हैं ऊपर, और यहाँ पर मुझे लगता है रास्ता ख़त्म। सो यहाँ पर अभी हमें जाना है यहाँ पे। सो आई थिंक एक और बैटल, तो फटाफट स्किप करते हैं इस बैटल को। सो भाई यहाँ पर हमने इस बंदे को हरा दिया, और अब यहाँ तर यहाँ पर आके देखते हैं। सो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पजल यहाँ पर हमारी वेट कर रही है। सो भाई मैं बिना किसी कुछ सोचे यहाँ पर यहाँ आ रहा हूँ। सो उसने मुझे एक टिप तो दी थी कि मैं एलिवेटर पर जाके देख सकता हूँ कि मैं कौन, तो भाई मैं तो बस सीधा सीधा जा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जाना है मुझे। ओके एलिवेटर मुझे यूज़ करना है शायद से, मैं जंप पे जंप कर रहा हूँ। ओ तो भाई तो ऐसा दिखता है। ओके सो ये एलिवेटर जो है हमारी मदद करने के लिए रखा गया है, बस मैं समझ नहीं पाया। ओके सो ये क्ले है क्या, नहीं 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 क्ले तो ऐसा नहीं दिखेगा। सो बैटल है तो फटाफट स्किप कर। सो यहाँ पर हमने इस बंदे को भी हरा दिया, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट में जाते हैं, नहीं लेफ्ट पे नहीं जा सकते, सीधा नीचे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर और एक एलिवेटर कहाँ मिलेगा यार। सो ये जिम की पजल थोड़ी ट्रिकी तो है और हार्ड भी है। ओके यहाँ पर नहीं, मैं वापस स्लाइड होके नीचे आ गया भाई,
ओके सो देखते हैं और एलिवेटर मिलता है क्या नहीं। यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, ये मेरे को दिखा है साइन। सो यहाँ पर बेसिकली तो नहीं है, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर तो मैं फर्स्ट हो गया। सो भाई एलिवेटर का यूज़ करके देखते हैं हम कहाँ पर है अभी। ओके सो मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर तो कर लिया है। सो फिर अभी क्ले होगा कहाँ पे? ओ भाई यहाँ क्ले होगा कहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके ओके सो यहाँ पे भी नीचे चल के देखे क्या। ओके तो भाई सीधा यहाँ पर आ गए हम लोग, और अब एलिवेटर यूज़ करके देखते हैं। ओके तो भाई मैं फटाफट से यहाँ पे देखने वाला हूँ। ओके ओके सो बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं कहाँ पे जाना है। ओ तो भाई मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, तो भाई फटाफट से मैं देखता हूँ क्या करना है। सो गाइस यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं, सॉरी फॉर बीच में नॉइज़ आ गई। तो हम फाइनली यहाँ पर क्ले के पास पहुँच चुके हैं। तो गाइस आई एम रेडी फॉर द बैटल, लेकिन उससे पहले मुझे हील करना पड़ेगा अपने पोकेमोन को। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल हो सकती है, बिकॉज मेरा अनफ्यूजन जो काफ़ी बुरी तरीके से फेंट हुआ पड़ा था। चलो भाई हमने हील कर दिया उसको, और भाई रायलू शायद हमारा ना खेल पाए, बिकॉज हमारे पास अभी रिवाइव है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो गाइस मैं रेडी हूँ अपने पांचवे जिम बैटल के लिए। हरम द किट मी वेटिंग टू योर किट, ऑल राइट टाइम टू सी व्हाट यू कैन डू। सो गाइस बहुत अच्छी बात है कि इससे ज़्यादा बातें नहीं की। गौरव वर्सेस क्ले। सो गाइस तीन पोकेमॉन इसके पास, पहला पोकेमॉन इसका क्रोकोरो। सो भाई मुझे उसके रॉक टाइप मूव से जो है बच के रहना पड़ेगा। सो एयर फ्लैश मैं यूज़ करने वाला हूँ, ज़्यादा पीपी बची नहीं है। ओके तो बहुत अच्छी एचपी गई है, और भाई नो क्रंच से हमारा जो डिफेंस भी कम हो जाएगा। इंप्रेसिव दैट स्ट्रेंथ यू हैव गॉट। सो गाइस एक और एयर स्लैश और शायद इसका क्रोकोडाइल, सॉरी क्रोको रोक, माफ कीजिए क्रोको रोक जो है खत्म। सो गाइस यहाँ पर इसका क्रोको रोक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन इसका एक्सकाड्रिल है। सो गाइस बेसिकली जो एक्सकाड्रिल है वो स्टील टाइप है, तो मैं चुनने वाला हूँ पिगनाइट को। सो मैं चुनने वाला हूँ पिगनाइट को, देखते हैं पिगनाइट कुछ कर पाता है। यानी एक्सकाड्रिल काफ़ी ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन है वैसे, तो मैं हीट क्रैश करूँगा। तो मेटल को से हमें ज़्यादा एचपी जानी नहीं चाहिए, गई भी नहीं है। सो चलो भाई हमने यहाँ पर इसको लगा दिया, मुझे लगता है आर्म थ्रस्ट से ज़्यादा जाएगी एसपी। ओ नो नो बुलडोज नहीं यार, पहला पोकेमॉन हमारा जो है पिगनाइट जो है फेंट हो चुका है। सो हमारे पास जोरुआ है, लेकिन मुझे शायद नहीं पता कि इसको कैसे। तो मेरे को जहाँ तक पता है स्टील टाइप पे जो है ग्राउंड टाइप पे इफेक्टिव होते हैं, मुझे टाइपिंग का जितना सेंस है उससे मैं बोल रहा हूँ। स्लैश नो या एक्सेल का जो अटैक स्टार्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है, मैंने इसको थोड़े गेम में यूज़ भी किया है। सो गाइस यहाँ पर जो एक्स का ड्रिल जो है फेंट हो चुका है। मेरा जो अंदाज़ा था कि स्टील पे ग्राउंड बहुत इफेक्टिव होता है, तो भाई मेरा अंदाज़ा सही लगा, इस बात पे लाइक तो बनता ही है। आखिरी पोकेमॉन इसका सैंड स्लैश है, तो भाई मैं फटाफट सैंड फेजेंट को स्विच करूंगा विदाउट एनी देरी। सो चलो यार चलते हैं, सैंड स्लैश आए यहाँ पर। ओके सो एयर फ्लैश और सैंड स्लैश, और भाई इसका जो है, सो भाई इसके जो है आधे से ज़्यादा कम एचपी गई है, तो मैं एक और एयर स्लैश इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके सो बहुत ही कम एचपी बाकी है, बस ये मैच ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है कुछ हाइपर पोशन वगैरह आएंगे, तो भाई हाइपर पोशन से फुल हील हो चुका है। और भाई हमारे एयर स्लैश की पीपी भी बहुत ही कम है, तीन एयर स्लैश की पीपी है। सो एक और एयर स्लैश और बस एक मूव की बात है, बस एक मूव। और गाइस यहाँ पर हमने अपना पांचवा जिम बैच भी जीत लिया है बहुत ही आसान तरीके से। बस हमारा पिगनेट जो है बस फेंट हुआ, बाकी हमने ये मैच जीत लिया। सो गाइस यहाँ पर हमें मिल चुका है अपना पांचवा बैच, जो कि है सो ये हमारे बैच के इसमें हमारा पांचवा चमकता हुआ बैच। सो हमें क्विक बैच मिला है यहाँ पर प्ले से, तो हमें TM78 बुलडोज भी मिला। सो बहुत बढ़िया, आई सपोज कम दिस वे। ओके तो ये हमें सीधा एक एंट्री एग्जिट पॉइंट पे लेके आ रहा है। गुड डांसर्स आर क्रूशियल फॉर पुटिंग ऑन अ गुड शो। तो गाइस मुझे लगता है जिम के बाहर कुछ दंगल होने वाला है। सो गाइस आज का एपिसोड मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सॉरी अगर बीच बीच में कुछ नॉइज़ आ गया। तो भाई बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।